मित्रों, कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसको भूत, प्रेत, पिशाच, डाकन, चुड़ैल सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जी हाँ मित्रों, अगर कौवा आपकी छत पर, आपकी बालकनी में बार बार आ रहा है तो वो आपको कुछ संकेत देना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। चलिए आज हम वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि कौवा हमें क्या संकेत देना चाह रहा है। मित्रों, ऐसे ही अद्भुत चमत्कारी वीडियो रोज़ देखने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। कौवा अगर आपकी छत पर आता है और आपकी छत पर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि कौवा आपकी छत पर मर जाता है, तो ये आपके लिए दुनिया का सबसे घातक और सबसे बुरा संकेत है। इससे आपके परिवार में हानि होगी, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे, कुछ ऐसी अनहोनी होगी जो नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, मित्रों अगर कौवा आपकी छत पर आता है और किसी धातु को छोड़ जाता है, कोई भी धातु हो सकती है, वो सोना चांदी, तांबा पीतल कोई भी हो सकती है, कहीं और से उठाकर लाता है और आपकी छत पर छोड़ जाता है, तो वेदों के अनुसार ये संकेत है आपके भाग्य खुलने की। जो भी आप काम करेंगे वो सफल होंगे और आपके जीवन में मतलब धन प्राप्ति के मार्ग खोलेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा क्योंकि वो दूसरे के घर की लक्ष्मी आपके घर पर छोड़ गए। नंबर तीन, कौवा अगर आपके घर के ऊपर आकर या फिर बालकनी में बैठकर, छत में बैठकर जोर जोर से चिल्लाता है, आवाजें निकालता है, तो समझ लेना आपके घर के अंदर एक अनहोनी चीज मौजूद है। उसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, उसे हम प्रेत आत्मा भी कह सकते हैं और उसे हम भूत भी कह सकते हैं। अब इससे हम निजात कैसे पाए, तो आप सब परिवार वालों को मंगलवार के दिन इकट्ठा होकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, तो जो आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर को छोड़कर चली जाएगी।